सोलन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने पीपीई किट मामले पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इल्जाम किसी और पर था, लेकिन नैतिकता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दिखाई। उन्होंने कहा कि इस मामले में हुई गिरफ्तारियों को देख ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य विभाग में काफी बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय जिनके अधीन है उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार को श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी रखी। हमारे जो सीएलपी का ग्रुप था और हम जो राजा वीरभद्र सिंह जी के निर्देशानुसार और लीडर ऑफ अपोजिशन और हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी अगुवाई में हम राज्यपाल से मिले और उन्होंने कहा कि जिनके पास ये कार्यभार है उनको तो कुछ भी नहीं है, उनकी जिम्मेवारी तो पिन डाउन होनी चाहिए। ये इस्तीफा वहां पे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का होता है, तो ये हमारी समझ से परे है। इसलिए इसमें हम लोगों ने ये मांग की थी कि ये इंक्वायरी इंडिपेंडेंट हो बाय ए सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट हो, नंबर वन। नंबर टू, एक वाइट पेपर इस पे जारी किया जाए ताकि इस प्रकरण का आम जनता तक जो ठीक तरीके से सूचना जाए। दूध का दूध पानी का पानी, न्याय तो वही होता है। यही इसलिए हमारी मांग थी कि इसमें जिनके पास ये विभाग है माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के पास, उनको इस्तीफा देना ये नैतिकता कहलाती है और हमें अपने कर्तव्य का ध्यान होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। और वो कर्तव्य है अपने लोगों को सहायता पहुंचाना। लेकिन इसके विपरीत आप देखते हैं हमारे प्रदेश में क्या हुआ कि इन्हीं चीजों में जो लोगों को राहत जानी है, जो हमारी स्वास्थ्य संबंधी किट जानी है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जाना है, उन सब में ही धांधली सामने आई। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी गंभीर समस्या से हम सभी जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से सभी वर्ग प्रभावित हैं और सभी तरफ से विकास कार्य थम चुके हैं। ऊपर से हिमाचल में धांधलियों के मामले सामने आ रहे हैं जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों में कांग्रेस ने जिन कंपनियों को स्थापित कर नए रोजगार सृजित किए थे उन कंपनियों को भी बीजेपी सरकार ने बेच दिया है। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।